नमस्ते दोस्तों, बाजार बोलता है में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं ग्लोबल मार्केट में यूएस मार्केट, यूरोप मार्केट और एशियन मार्केट का आज का हाल। आज देखने लायक स्टॉक्स की बात करें तो भारती एयरटेल कंपनी ने 2012 और 2015 में अक्वायर्ड स्पेक्ट्रम के लिए 7,904 करोड़ रुपए का एडवांस्ड पेमेंट कर आउटस्टैंडिंग देनदारियों को साफ कर दिया। कंपनी ने 2012 और 2015 में अक्वायर्ड स्पेक्ट्रम से संबंधित सभी स्थगित देनदारियों का पूरा पेमेंट किया। अदानी एंटरप्राइजेस प्रमोटरों ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी सितंबर 2023 और जून 2024 के बीच 2.02% इक्विटी अधिग्रहण के बाद 71.93% से बढ़ाकर 73.95% कर दी। SBI कंपनी 15 जून से सभी अवधियों के लिए MCLR में 10 आधार अंकों की वृद्धि करेगी। जुबिलेंट फार्मोवा कंपनी की यूएस स्थित शाखा 626 करोड़ रुपए का एक टर्म लोन स्वेच्छा से प्रीपे करेगी और कंपनी की शाखा अमेरिका में अपने रेडियो फार्मेसी नेटवर्क का विस्तार करने के लिए $50 मिलियन का निवेश करेगी। RVNL कंपनी पूर्व तट रेलवे से 160 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी बनकर उभरी है।